हेलो दोस्तों, सो फिर से आ गई हूँ लेकर मैं आपके लिए एक नए वीडियो। और इस वीडियो में बताऊंगी मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थिंग जो कि है हमारी खीर से रिलेटेड, जो कि हमें मिली है दिवाली में। और जैसे कि दिवाली कुछ टाइम पहले गई है तो मोस्टली लोगों के पास खीर तो अभी अवेलेबल होगी ही, इसीलिए मैंने स्पेशली ये जो हैक है वो लेकर आई हूँ। सो अगर हमें ये अपना खीर से रिलेटेड हैक पूरा करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक थ्रेड और एक नीडल मीन्स सुई। तो हमें एक सुई धागे की ज़रूरत है गजरा बनाने के लिए। जी हाँ, अब हम बनाएंगे एक प्यारा सा गजरा। और इसका जो लुक आता है गजरे का, बहुत ही ओरिजिनल और प्यारा लुक आता है, क्योंकि हमारी जो खीर होती है व्हाइट कलर की होती है, इसलिए थ्रेड भी हमें लेना है वाइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना गजरे का प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें खीर लेनी है और एक एक करके हमें उसको सुई में डालते जाना है। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत ही आराम से करना है क्योंकि हमारी खीर जो होती है वो नाजुक होती है और जल्दी से टूट जाती है, तो थोड़ा सा पेशेंस हमें इसमें चाहिए ही चाहिए। सो प्लीज़ पेशेंस रखिए और आराम से बनाइए, क्योंकि एक बार ये प्रॉपर तैयार हो गई तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। और कई बार ये हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो कुछ प्ले करते हैं स्कूल में, सो हमें उस टाइम पे रेडी होने के लिए गजरा और ड्रेसेस सब चाहिए होता है। तो आपको फेक गजरा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे बना करके एक बहुत अच्छा लुक अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी है ताकि आप टाइम वेस्ट ना हो। और देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं इस टाइम पर इसलिए लेकर आई हूँ कि अभी तो सबके पास ये खील होगी ही, और सारे के सारे आप नहीं खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाती है क्योंकि मेन हमारी खील ही होती है दिवाली में। तो सबके पास होगी, मोस्टली लोगों के पास, तो इसको वेस्ट ना करें, इसका यूज़ करें। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, इसका लुक जो आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो आप एज अ गजरा इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से, जैसा कि मैं बता रही हूँ। अब थोड़ी सी मैं थक भी गई थी इसको बनाते बनाते, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए इसके लिए और बहुत ही आराम से बनाना है ताकि ये किस तरह से टूटे ना। तो यहाँ पर मेरी एक लड़ी तैयार हो गई है और ये हो गए हैं पूरे के पूरे मेरे गजरे रेडी। सो देखिए रेडी होने के बाद कितना इसका प्यारा लुक आ रहा है और रियल गजरे लग रहे हैं एकदम। तो चलिए अब हम इसको अपने जो डमी का जूड़ा है उसमें इसको लगाते हैं और देखते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। यहाँ पर मैंने जूड़े पिन की हेल्प से इसको लगाना शुरू कर दिया है गजरे को राउंड शेप में। ये आप पर डिपेंड करता है आपको इसको किस तरीके से अपने हेयर पर लगाना है। तो यहाँ पे राउंड राउंड करके जूड़े पिन की हेल्प से मैंने इसको बालों पे डेकोरेट करना शुरू कर दिया है। एज यू कैन सी कि इसका लुक बहुत अच्छा आ रहा है। और मतलब जो आप नकली गजरे खरीदते हैं मार्केट से प्लास्टिक के, उससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसका लुक आएगा। एक बार आप इसको बना के रख दीजिए, उसके बाद कई बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब आप इसको बालों पे लगाएं तो जो हमारे जूड़ा पिन की हेल्प से इसको आप लगा रहे हैं तो बहुत ही आराम से लगाएं, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाती हैं। तो आराम से अगर आप काम करेंगे तो ये बहुत अच्छे से लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। अब क्योंकि मेरे पास थोड़े से गजरे कम पड़ गए थे तो मैंने जो थोड़े बहुत राउंड में लगा के और बाकियों को मैंने ऑलरेडी फिंगर से पहले रोल कर दिया और उसको फिर बालों पर लगा दिया, तो इससे काम भी जल्दी हो गया और लुक भी अच्छा आया है। आप चाहे तो पूरे जूड़े में जो है राउंड में ही अपना ये गजरा अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। और हाँ, इसमें ध्यान रखिए पिन को ज़्यादा प्रेस ना कीजिएगा, नहीं तो हमारे गजरे टूट सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे मैंने पूरा गजरा अच्छे से अप्लाई कर दिया है, लगा दिया है और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। और कैमरे में तो ऐसा है बट रियल में ये और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सो अगर आप चाहते हैं अपने इस खील का इस्तेमाल करना, सो प्लीज़ इस हैक को ज़रूर अपनाइए और बहुत अच्छा ये लुक देगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, सो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।